फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त उमर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल है कुमार। तो में हम बात करेंगे जिसका काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट कर रहे थे, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज 2021। तो यहाँ पर ही आ चुकी है, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कब से एडमिशन स्टार्ट है, फुल डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आप सबके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार विजिट अगर आप कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना इसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा शॉर्टकट अपडेट्स के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर ये 17/10/2021 को यानी आज यहां पर नोटिफिकेशन आई है, यहां पर बोपी की तरफ से, बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें आप देख सकते हैं यहां पर एडमिशन जो है 18/10/2021 से 28/10/2021 के बीच में यहां पर 2 बजे तक यहां पर होगी। इसके बीच में आपको जाना है एडमिशन करने, 18 से 28 के बीच में आप कभी भी जा सकते हो जो आपको कॉलेज अलाट हुआ है। और उसमें आपको इस लिस्ट में आपका नाम भी है और कॉलेज का नाम भी और कोर्स भी दिया गया है। तो यहाँ पर मार्क्स का 10th 12th का लगेगा आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th क्लास की चल जाएगी, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है कोई वो ले जाना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूशन वो भी आपको लगेगा जो वहाँ पर वो मांगेंगे। इसके अलावा और प्रोविजनल और कैरेक्टर भी लगती है, वो यहाँ पर नहीं मैंशन है, वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे, जो आपको मिला है स्कूल वो आप बता देंगे आपको। नीचे ये भी लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन लिस्ट नीचे दी गई है, यहाँ पर आपका नाम भी दिया गया होगा, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम, परसेंटेज, कैटेगरी, रैंक और कौन सा कोर्स आपको मिला है, और इंस्टीट्यूशन भी दिया गया होगा, और यहाँ पर कैटेगरी किस बेस पे आपको मिला है, और यहाँ पर रूल 17 ये कहता है, जिसको ये लगा है इसका मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको ओपन मेरिट पे ही मिला है कोर्स तो ये उसको लगता है, और किसी किसी को नहीं लगा है ये उनकी यहाँ पर प्रॉब्लम है, बोपी की तरफ से प्रॉब्लम आई है। वरना रूल 17 का यही मतलब है कि अगर आपको कैटेगरी पे नहीं मिलता है तो ओपन मेरिट पे मिलता है, मतलब अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हों तो फिर आपको ओपन मेरिट पे ही मिलता है, वरना कैटेगरी लगती है। तो कैटेगरी तब लगती है जब आपका ओपन मेरिट में नहीं होता है, तो यही इसका मतलब है रूल 17 का। तो यहाँ पर आप अपने नाम भी देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं जो कॉलेज आपको अलाट हुआ है। इसमें इस कॉलेज में आपको सीधे जाना है, कुछ यहाँ पर कह रहे थे बोपी ने हमें कोई स्लिप नहीं दी है, वो भी आपको कोई स्लिप नहीं देगा, आपको खुद जाना है जो आपको इंस्टीट्यूशन अलाट हुआ है वहाँ पर जाइए, एडमिशन करिए, वहाँ पर आपकी लिस्ट पहले लगी गई होगी कि ये स्टूडेंट यहाँ पर अलाउट हुए हैं, तो आपको सिर्फ एडमिशन जाना है करने, वो आपको सब बता देंगे। तो ये था इस वीडियो में फुल अपडेट, शॉर्ट अपडेट मैंने थोड़ा लेट कवर किया और फिर भी किया मैंने टाइम निकाल के थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब पर ही है सिर्फ और वो वीडियोज़ का वेट करते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बाकी कोई और रीज़न नहीं था क्योंकि अपडेट मैंने पहले भी दे दिया था। तो इस वीडियो में शॉर्ट अपडेट, और भी अगर आपके क्वेश्चन हैं डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आइए, फॉलो करके मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, और टेलीग्राम शॉर्ट शॉर्ट अपडेट्स के लिए ज्वाइन करिए। तो इस वीडियो में शॉर्ट अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।